मैं राजनीतिक घटनाओं का हास्यानुवाद करता हूँ, कोई दृष्टिकोण नहीं है मेरे पास कि वही इस पार्टी का हो, कोई पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं, सब पार्टियों ने जो कर रही है उनका हास्यानुवाद कर देता हूँ। बस एक निवेदन कर देता हूँ, थोड़ी तालियां वालियां देते रहना और टाइमिंग ठीक रखना, टाइमिंग ठीक रखना, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती है जो अनूप जलोटा के लिए जसलीन। बाकी सब ठीक था लेकिन उनकी भी टाइमिंग ठीक नहीं थी। टाइमिंग बहुत जरूरी है जीवन में। अब देखो, मैं एक घटना से जुड़ता हूँ और शुरू होता हूँ। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने संसद भवन में भाषण दिया था, बहुत शानदार लाजवाब भाषण दिया था, हिला के रख दिया था, ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। मैंने तो सोचा कि अब तो प्रधानमंत्री बने ही बने, लेकिन उतनी देर में उन्होंने आंख मार दी। पर वही टाइमिंग खराब हो गई। एक बार जरा तालियां खुल के बजा दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। चार पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। हाँ सुनिए, चार पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई ही पटवा दी, जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई ही पटवा दी, जो गरिमा पूर्ण रिश्ते थे उन्हीं की नाक कटवा दी, किसी ने आंख मारी थी बड़ी संसद में बस यूं ही, गलत फहमी में सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही हटवा दी, गलत फहमी में सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही हटवा दी। ये हो गया साहब के कर्नाटक चुनाव के पहले किसी भी पार्टी को वोट दे दो सरकार भाजपा की बन जाती थी। मेघालय में, गोवा में, बिहार में तो बाकायदा लालू जी और नीतीश कुमार जी को वोट दिए, लेकिन सरकार भाजपा चला रही है। मुझे लालू जी मिल गए। मैंने कहा लालू जी आपका चुनाव चिन्ह लाल टेन और आपके टेन लाल, और फिर भी बुझ गई क्यों बुझी? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं शुरू करता हूं प्रतिगीत, सुनिएगा लालू जी ने क्या कहा। के लाल टेन वा, वाह जरा उत्साह से सुनना। के लाल टेन वा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से, लाल टेन वा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, जैसे तैसे किया था सेटल अपने तो पर बेटों को, चारा कटने के पहले ही छीन लिया पर खेतों को, ओ मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठ जोड़ टूट गया हाय तौबा, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे। भैया इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, बंद करो इसकी रिकॉर्डिंग, बंद कर दो। ये 100% कर रहा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। अच्छा, ये अगर ये चैनल वाले मेरी बात सुने तो खास तौर पे ये चैनल आप बंद कर दो, ये वाला नमो का चैनल वाले जो यूट्यूब वाले आप बंद कर दो। हाँ, ना मेरा बंद कर दो, मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और आप डाल देते हो इसको बंद, प्लीज। ठीक है, एक गठबंधन और टूटा, बस ठीक है, अब इसको मत छेड़ना भाई। ये मुकेश जी प्लीज, इन्हें आप आदेश दे दें कि रिकॉर्डिंग ना, नहीं गले खराब हो जाएंगे हमारे। नहीं, दिक्कत क्या, कवि सम्मेलन खराब हो रहा है, गला तो देखा जाए, कवि सम्मेलन खराब नहीं होना चाहिए। क्या करोगे आप रिकॉर्ड करके इसका, प्लीज बंद कर दो, रिकॉर्डिंग ना करें। हाँ भाई सुदीप, अब ठीक है जी, अब ठीक हो गया, अब मच्छर ना इसको। एक गठबंधन और टूटा, देखो मेरे को नया सुनाता हूँ। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन टूटा, पीडीपी और महबूबा का, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन टूटा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से पूछा, मैं नेताजी टूट गया? क्यों टूट गया? तो उनने जवाब दिया, मैं सुनना सुनना सुनील, बिल्कुल नया सुनना। भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने क्या कहा, आनंद से सुना, मैंने मस्ती से लिखा है, आप मस्ती से सुन रहे हो, सुनिए। के पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। वाह, छोड़ दिया, वाह। पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। उसकी काली करतूतों का पूरा भांडा फोड़ दिया,
लोचे में रोस्त दे के आदर किया, घाटी में हमने सीज फायर किया, बदले में सैनिकों को पत्थर मिले, पंचर अहिंसा का टायर किया, अरे गठबंधन के चलते भेजा केचप हो गया, ऑल आउट में चार मरे तो ये सब हो गया, कल भाजपा का पीडीपी से ब्रेकअप हो गया, कल भाजपा का पीडीपी से ब्रेकअप। कमाल का देश है, अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, मोदी जी आए तो कहने लगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर शौचालय बनवाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आते ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड बना के रख दी कि कोई प्रेमी जोड़ा देखे उठा के बंद कर दो। मैंने कहा कि योगी मोदी जी ने ना भ्रष्टाचार किया तो ये किया, और योगी जी ने ना शादी की ना मोहब्बत, तो जो काम खुद ने नहीं किया वो किसी और को भी करने नहीं दे रहा। सुनना, मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आपको बताता हूँ, पर इसमें आपको एक जगह आह और एक जगह ओहो करना होगा। बहुत अच्छा, वो मैं इशारे से बता दूंगा, आप लोग तो वैसे भी बहुत जीवित श्रोता। सुनना सुनना, केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं मैं बताऊंगा, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागे लू, ओ योगी टॉप लागे लू, कमरिया 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 अमित। देखो दो तीन बार से ज्यादा आहा हो करो तो गलत फहमी हो जाती है। अद्भुत अद्भुत काम है, कमाल का देश है। वो महागठबंधन बन गया, बाद में वो मायावती जी छोड़ के निकल ली मध्य प्रदेश में, वो अजीत जोगी से गठबंधन किया, ना भाजपा के काम आई, ना कांग्रेस के काम आई, ना समाजवादी पार्टी के काम आई, वो अजीत जोगी से गठबंधन कर दिया। तो राहुल जी ने अखिलेश जी को देखा कि यार क्या हुआ, तुम्हारी बुआ चली गई। तो अखिलेश जी ने गाना गाया, सुनना बिल्कुल मत, बिल्कुल नया सुनना, कि महागठबंधन का है न माया, कि महागठबंधन का है न भाया, समझ न आई बुआ की माया, आया इलेक्शन भी नजदीक आया, तब टीपू भैया ने ये फरमाया, दुपुक दुपुक दुपुक। आओ चुनाव आ रहे होती है। तब टीपू भैया ने ये फरमाया, छत्तीसगढ़िया लगा बढ़िया, छत्तीसगढ़िया लगा बढ़िया, मेरे खेतों में धनिया बो गई, मुझको राघा जी माफ करना, बुआ जोगी की हो गई, मुझको राघा जी माफ करना, बुआ जोगी की हो गई, धुपक धुपक। एक बार जरा हाथ उठा के तालियां बजाइए और एक जरा फोटो खींच लेना, कोई आपका कैमरे को जरूर डाल दो बस, और अब ये फोटो मुझे व्हाट्सएप पर दे देना। हाँ, मेरा कल दिल्ली विधानसभा में कवि सम्मेलन है, मैं वहां जाऊंगा कि लाला जी का अद्भुत कवि सम्मेलन, और परंपरा चलती चली जा रही है, और मैं वहां दूसरी बार गया और बहादुरगढ़ के बहादुर श्रोताओं ने मुझे सुन के हाथ उठा के तालियां भी बजाई। छोड़ के अनिल जी के अलावा मैं भी मार लेता हूँ कभी कभी। मैं जाकर के बताऊंगा दिल्ली विधानसभा में ये बात, तो वहां पर कुछ ऐसे मित्र जो कहेंगे सबूत ला। यार जो लोग अपनी देश की सेना से सर्जिकल स्ट्राइक से सबूत मांग सकते हैं, कभी उसे क्या ताली बजवाने का नहीं मांगेंगे सबूत। मैं आपको सर्जिकल स्ट्राइक दिखाता हूँ, सुनना कैसे की होगी हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, आनंद में सुनना जरा। के पीओके के अंदर, बहुत अच्छा है, अरे पीओके के अंदर उड़ा के सारे बंकर, के सारा ही मैदान कर दिया, जो भी वहां पाया जन्नत पहुंचाया, के रुकने का नाम ना लिया, भुस भर दी। हरियाणा के ही थे वो सारे, मुझे अभी एहसास नहीं हो कि मैं हरियाणा में हरियाणा के 20 सैनिकों का शौर्य गा रहा हूँ। जरा एक बार जोड़ के सुनना, आनंद के साथ सुनना जरा।
पीओके के अंदर उड़ा के सारे बंकर के सारा ही मैदान कर दिया। और जो भी वहां पाया जन्नत पहुंचाया के रुकने का नाम न लिया। अरे एक ने दो ने चार चुन चुन कर मारे थे, एक ने दो ने चार चुन चुन कर मारे थे, आतंकी अड्डों में धुन धुन कर मारे थे, छोड़ा नहीं था वहां एक भी बेईमान। घुस भर दी। अरे ओ मोरे राजा बजाया ऐसा, अरे बजा अपने सैनिकों का शौर्य गाने हैं। अरे ओ मोरे राजा बजाया ऐसा बाजा, भोला दी दहशत गर्दी। देखो मुझे माला और मफलर की खट्टी फीलिंग आ रही है। अरे भोला दी दहशत, अब देखो जन्नत का दृश्य दिखाता हूँ, आनंद में सुनना, बहुत मस्त सुनना, जन्नत का सीन, जन्नत का सीन। के कांधे पर गन भी थी, हाथों में गोला था, जन्नत में कांधे पर गन भी थी, हाथों में गोला था, जन्नत में आतंकी आतंकी से बोला था, कांधे पर गन भी थी, हाथों में गोला था, जन्नत में आतंकी आतंकी से बोला था, हूरों से मिलकर मजा आ गया भाई जान को। एक बार जरा मिल जाए तालियां बजा दो जरा। इन दिनों आपके हरियाणा ने एक से एक सुपर स्टार दिए देश को, और सबसे बड़ा सुपर स्टार अभी पिछले कुछ दिनों दिया सपना चौधरी। पाकिस्तान में इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान को आगे दिखाने लगे। मैंने कहा चलो हटो, मैं तुम्हें हरियाणवी स्टाइल में निपटाता। अब सुनना, आनंद लीजिएगा जरा, मस्त आप सुन, बहुत अच्छा रहे हो, बस इसी ऊर्जा से सुन लो, बस दो पांच मिनट और आपके लिए सुनना। कि इमरान खान तेरी और कर धोनी रख देंगे दो कर, धोनी की छोड़ दे भज्जी, तेरी उड़ा के रख दे धज्जी, हर सैनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा, हर सैनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा, इतने छक्के मारेंगे किन नहीं पाएगा। इमरान खान तेरी और कर सीमा रेखा मत लांगे, नो बॉल वो कहलाएगी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर फ्री हिट दी जाएगी। तेरा हाफिज जैसा तीतर, तेरा हाफिज जैसा तीतर, ये बनेगा चीयर लीडर। के तेरा हाफिज जैसा तीतर, ये बनेगा चीयर लीडर, और बाउंड्री पर ही नाच नाच मर जाएगा है, इतने चक्के मारेंगे गिन नहीं पाएगा। कि 90,000 रन वाला हमने इतिहास रचाया, 65 से करगिल तक तुझको हर मैच हराया। जरा जुड़ के सुन लेना, और इस बात पंडाल की पूरे पंडाल की तालियां देना मेरे को। कि 90,000 रन वाला हमने इतिहास रचाया, 65 से करगिल तक तुझको हर मैच हराया, सुन ओ जिन्ना के पोते, वाह 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 वाह, कि सुन ओ जिन्ना के पोते तेरे उड़ जाएंगे पोते, सुन ओ जिन्ना के पोते तेरे उड़ जाएंगे तोते, राहिल शरीफ भी उस सिग्नल दिखलाएगा है, इतने छक्के मारेंगे गिन नहीं पाएगा। खत्म हो गई, जब तक ताली बजा दो। अच्छा एक वो छोटा सा इन्होंने कहा है वो सुन लेना, आजादी मांग रहे हैं लोग, वो
दो तीन अंतर छोटे छोटे सुनना, आजादी मांग रहे, कमाल का देश, कमाल के लोगों, विश्वविद्यालय में खड़े होकर आजादी दो, आजादी दो। अरे मैंने कहा मिल तो चुकी 47 में यार, कितनी आजादी, सुनिएगा कि ये कैसी आजादी, अरे और बर्बादी, अरे गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवादी, संसद लगता हल्दी घाटी का मैदान हो गई। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, अरे ये कैसी आजादी और बर्बादी, राजनीति ने लंगोटी बिकवादी, संसद लगता हल्दी घाटी का मैदान हो गई। गांधी बाबा तेरी खाती बदनाम हो गई, बदनाम हो गई भाई वाह। अब कैसा गड़बड़ खाला, जमकर हुआ घोटाला, और विजय माल्या झूम के गाते उलाला उलाला, अरे विजय माल्या झूम के गाते उलाला उलाला, काली सूची क्या हुई वो झंडू बाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। वो नोट बंद तो कर दिए मोदी जी ने, देखो ना समर्थन है ना विरोध, लेकिन आनंद लेना पूरा। हम तो परेशानियों में आनंद ढूंढने वाले लोग हैं। सुनना, एक पंडित जी शादी करा रहे थे नोटबंदी के दूसरे दिन, बार बार मंत्र भूले, बार बार मैंने महाराज दिन में 10-10 शादियां कराते हैं आप और मंत्र भूल रहे हैं। कह लगा हाँ बेटा क्या बताएं, वो मोदी जी ने 1500 के बंद कर दिए, 150 के देख के फीलिंग नहीं आती। बदनाम हो गई, अरे नकदी बंद करा दी कैसे होती शादी, नकदी बंद करा दी कैसे होती शादी, दूल्हा दुल्हन दोनों के सपनों की वाट लगा दी, होना हनीमून था लेकिन जय हनुमान हो गए। गांधी बाबा तेरी शादी बदनाम हो गई, बिल्कुल सुना करो, बदनाम हो गई। अरे नम आखिरी तो सुन लो के नमो नमो के नारे, जरा मिल जाओ एक बार, नमो नमो के नारे और खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के बेरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के बेरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू, आखिरी सुनना, मैं एक आपको गीत सुना देता हूँ, अभी जैसे कि हमारे भाई नितिन जी ने कहा। नहीं, ये उसका मन बेटी वाला आजकल वो सुना रहा है, तो वो बेटी वाला ही सुना। एक मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुनाना चाहता हूँ, वो इन दिनों जुबान, और चूंकि लाला जी का ये मंच है, देखो अब मुझे 2 मिनट दान में दे देना। हाँ। राजनीतिक कविताएं सुनाता हूँ, कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगती होंगी, कुछ लोगों का सहमति नहीं होगी, मैं मानता हूँ। मैं एक जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत लाला जी को समर्पित करते हुए आप सबको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा गीत सुनाऊंगा, आप बहुत अच्छा, आप भले ही मुझे भूल जाएंगे लेकिन ये गीत याद रखेंगे। मैं एक गीत 2 मिनट का गीत सुनाता हूँ, ये हमारी बहनें बैठी हैं आपको सौंपता, जैसा कि हमारे नितिन भाई ने, क्या ना, नितिन भाई ने कहा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। 2 पंक्ति की भूमिका है, पहली तो ये कि मैं 2 बच्चियों का पिता, एक दिन टेलीविजन खोला तो अनिल भैया सुना, टेलीविजन खोला तो एक समाचार सुना मैंने, जितने लोग बैठे हैं मेरी बात को गौर से सुनना, 1 पंक्ति की भूमिका के बाद गीत शुरू कर दूंगा। टेलीविजन खोलते ही साथ एक समाचार सुना मैंने कि हमारे देश के किसी हिस्से में 2 महीने की बच्ची के साथ में कहीं दरिंदगी हो गई। तब एक कवि का मन जागा, 2 बेटियों का पिता का मन रोया, और लेखनी से जो आंसू निकले हैं वो मैं आपके भी सुनाना चाहता हूं। अगर एक बार पूरा सदन मुझे इजाजत दे देगा तो मैं बहुत मन से गीत सुना करके जाऊंगा। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, सुदीप जिंदाबाद, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, तो अब डिस्टर्ब मत करना, मन से सुन लेना। हाँ जी। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया, वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे,
डर के मारे कलियों ने मुस्कान छोड़ा। अभी शाख पर कोपल फूटी, अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई, आई भाई कमाल की है, कैसी बेहयाई। पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लग, देखो मैं बहुत सारी विधाओं में कविताएं लिखता, एक मिनट में एक टिप्पणी करके मैं हंसी के ठाके भी आपके बीच सौंप सकता था, लेकिन मैंने ये बहुत जिम्मेदारी से कविता का चयन किया है लाला जी को स्मृत करते हुए। इसको मन से सुन लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। बहुत मन से सुनना है, तू चिंता ना कर, ये हर अच्छी कविता मुझे नहीं लगता कि बहादुरगढ़ के अलावा इससे बढ़िया कहीं सुनी जा सकती है। एक बार तालियां बजाकर उन्हें आश्वस्त करिए, ये ऐसी महफिल है जहां हर रंग उसी रंग के साथ बना जाता है। हाँ भाई, कि पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं, शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं। वाह वाह वाह, पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए। वाह 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 वाह, अरे कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बे, कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई। दो अंतरे हैं, पहला सुनना, कि जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते, वाह नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, क्या बात है, जहां कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते, ये वही हरियाणा है, जहां कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहां मिट जाते। अरे बहादुर इंदौर ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई, आई कैसी बेहयाई, कैसी बेहयाई। गौरैया ने अब बागों में आना, आखिरी पंक्तियां सुनिएगा, जब मीराबाई ने स्वर्ग में बैठकर के ये देखा होगा सुना होगा तो उनपे क्या बीती होगी, मेरे काव्य जीवन की सबसे 4 पंक्तियां सुनना, कि मीराबाई ने अपना एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फपक रही बिस्मिल्ला की शहनाई। एक पंक्ति संभाल लो, बस एक पंक्ति का कवि हूं, समझ जाओ तो फिर सारा सदन आशीर्वाद दे देना मुझे। एक पंक्ति की सुन लो, कि मीराबाई ने अपना एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फपक रही बिस्मिल्ला की शहनाई, बिटिया को बैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। भाई सुदीप बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बिटिया को बैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई, टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई, और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी बेहयाई। गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।